हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग उठ गए हैं कल यार। कल मतलब उन लोग के दोस्त लोग के जाने के बाद सोए हैं, उसके बाद बस उठे हैं तो व्लॉग डाले हैं, उसके बाद फिर सोए हैं। तो जो सोए हैं तो सीधे 7:30 बजे शाम में उठे हैं, उसके बाद फिर उठ करके खाना पीना खा के फिर सोए हैं, फिर उठ रहे हैं तो 9 बज रहे हैं। खैर, अब तो रमज़ान ख़त्म हो गया, तो अभी चल रहा है चाय चाय और बिस्किट, और ज़िंदगी यही है। गाइज, अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करके अभी उठे हैं। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, आप मोटे हो पतले इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिट रहो ये ज़्यादा मायने रखता है। और मैं पतला हूँ ये मुझसे ज़्यादा दुनिया वाले को पता है, और दिन भर सुनाते रहते हैं। अरे अपना काम करो यार, हम जैसे बहुत अच्छे हैं, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करो। तो गाइज, जाएंगे नहाने के लिए, तो मिलते हैं नहाने के बाद। हेलो गाइज, तो नहा लिए हैं, नहा वहा के तुम देख रहे हो आपने व्हाइट व्हाइट पहने, ऐसे कहीं जाना नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा पहनना चाहिए, उससे ना मूड अच्छा रहता है। क्योंकि आप देख रहे हो व्हाइट में है, क्योंकि व्हाइट, रेड, ब्लैक ये मेरा फेवरेट कलर है। वैसे ब्लू ये सब भी पसंद है, बट ये सब ज़्यादा पसंद है। भाई लोग भी आज बहुत काम किया, पता आप लोग को, अपना बुक शेल्फ ये सब ठीक किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आज से पढ़ाई लिखाई शुरू कर देना। 1 महीना हम लोग पढ़ाई लिखाई किए नहीं थे, और आप लोग को तो पता है कि हम लोग के सुप्रीम कोर्ट कौन है, हम लोग के पापा। तो आज शाम से पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगा, तो अभी जाते हैं कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी खा नाश्ता किए हैं, अब नाश्ता के बाद खा रहे हैं मीठा जो कल बना था, खीर खोरमा वही खा रहे हैं। अभी खाना खाने का टाइम हो गया, ये भी नहा लिया है, अभी 12 ही बज रहा है, अभी उठे हैं लेट से, तो नाश्ता वाश्ता सब लेट से हो रहा है। ये लोग भी बुक वुक सेल्फ ठीक किया, एक और अब नहाने गया हुआ है एकदम नंगा होकर के। वो उधर बिना कपड़े के, इसीलिए अभी नहीं दिखा रहे गाइस, जिसको नहा के आना था उसके बाद दिखाएंगे। बुक सेल्फ सब ये ठीक किया है। तो आसाम से क्या करना है, क्या आसाम पढ़ाई आसाम से क्या करना है, पढ़ाई और क्या, आसाम से पढ़ाई करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है गाइस। तभी खा रहे हैं शीर खोरमा, मजा है, बहुत पढ़ाई भी मस्त है जरूरी गाइस। है। कहते हैं ना, जब कोई चीज जाने लगता है तो ज्यादा याद आता है, वैसे इसका हाल हो रहा है, शीर खोरमा अब खत्म हो रहा है और हम लोग को इसका बहुत ज्यादा याद आ रहा है। तो फिर बनाएगी मम्मी कभी, तो फिर खाएंगे। गाइस, कोई काम करने को है नहीं, तो सोचे क्यों ना नींबू पानी बना करके पिया जाए, नींबू पानी से भी अच्छा होता है सेहत के लिए। तो बनाते हैं नींबू पानी, देखते हैं कैसा बनता है। कभी उतना बनाया नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, देखते हैं। ज्यादा बनाना नहीं है, 2 ही आदमी के लिए बनाना है, तो थोड़ा देखते हैं। ही नहीं रहा गाइस, कटेगा कटेगा, आता है काटने। नींबू कट गया, बट पहले इसमें चीनी डालेंगे, नींबू बाद में डालेगा, पहले चीनी मिला लेते हैं। फिर नींबू, ज्यादा नींबू नहीं डालना है, चीनी डालते हैं। हमको ज्यादा मीठा अच्छा लगता है गाइस, शरबत जितना मीठा हो, ज्यादा भी मीठा नहीं मतलब फिर भी मीठा होना चाहिए। लग रहा ज्यादा चीनी मिला दी क्या, अब इसको मिलाते हैं। मिलाने का सबसे अच्छा तरीका ऐसे मिलाओ, थोड़ा सा मिला ले। डालते हैं नींबू, नींबू कितना डालना है जो भी हमको पता नहीं है, तो पहले इतना डालते हैं, अगर अगर खराब लगेगा तो उसके बाद फिर उसमें से डाला जाएगा, पहले इतना नींबू डालते हैं। ज्यादा हो गया लग रहा है, अरे इतना नींबू ठीक है, फिर इसको मिलाते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। भींगा वाला, भींगा में चिपक जाता है। उठाते हैं चीनी, चीनी उठाते हैं। इस बार का लग रहा है मीठा हो जाएगा, चीनी मिला है ना इसीलिए। थोड़ा सा नींबू, बस थोड़ा सा, अब जिंदगी लगेगा जन्नत, क्या लगेगा जन्नत। अभी हो जाता खड़ा पूरा, अभी पूरा गिर जाता।
इसलिए जल्दबाजी नहीं करें गाइस, एकदम आराम आराम से। ऐसे अपने कोई काम है नहीं, लॉकडाउन में घर में पड़े रहना, पढ़ना लिखना यही करना है बस, व्लॉग बनाना है। तो देखिए गाइस बन गया शरबत, और मिला देते हैं, कुछ कर देंगे। तो कैमरामैन को पिलाना है गाइस, शरबत तैयार। गाइस शरबत तो बन गया, अब बहुत अच्छा बना है, एकदम मन खुश हो गया। पिलाए हैं घर में भी सबको, सब बोला रमजान में तुम्हें क्यों नहीं शरबत बनाए। अरे हम ऐसे ही कोई काम नहीं करते गाइस, बहुत अपना लेवल बहुत हाई है, जो काम करते एकदम बहुत अच्छा करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। मजाक कर रहे हैं, अच्छा बना है शरबत, मस्त। तो आज का ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं। देखो यार, दिन में कुछ करने को होता नहीं, लेकिन फिर भी हम जितना कर पाते हैं, जो भी कर पाते हैं, आपको शूट करके देते हैं ताकि आप लोगों को मजा आए। ये नहीं कि बोरिंग से ब्लॉग हो, इसलिए कुछ ना कुछ करके देते हैं। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड।